I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Nayak? Bhai sahab? Huh? Kya hai? Kaun hai Nayak? Nayak? Huh? Wahi appa khatam Nayak. Acha. Encounter specialist. अब तक 56 मार चुका है नायक नहीं पूरा खलनायक है संभाल के ऑल द बेस्ट जी सारे गंदे काम मेरे को ही देंगे कहाँ है पेशेंट कहाँ ये है क्या नमस्ते साहब ये तो पहले से ही मरेला इसको क्या मारने का चल ठीक है ए नाम दे गिली तो ले ला ला रिवॉल्वर ला 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 रिवॉल्वर दे चल जल्दी 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 दूसरा भी काम है यार अबे तेरा सर्विस वाला नहीं वो वाला दे कितने एनकाउंटर्स किया मेरे साथ तू दूसरा वाला दे फसाना है क्या अपने को नहीं सर नंबर ये ना साहब जी मैं भगवान का आदमी है मुझको मंदिर जाना है मुझको जाने दे अरे बेटे मंदिर के रास्ते पे रास्ता खुदा है ना तो ट्रैफिक बहुत है मैं इधर ही तेरे को भगवान के पास मेरे को भगवान के पास नहीं जाना है साहब मैं बाल बच्चे वाला आदमी सब मैं सब बता देगा सब अबे बस गोली मत लेकिन अभी तो तू बोल रहा था भगवान के पास अच्छा अच्छा देख साहब आगे सब साहब को बता देना गुड बॉय बता देना चल बोल बोल जल्दी सब होम मिनिस्टर माणिक राव और प्रधान सेठ के बीच में कुछ टेंशन था साहब बिजनेस का सब बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन और बड़ा बड़ा धंधे वालों के बीच में मुझको मत घसीटो साहब मैं बहुत गरीब आदमी साहब मेरे को जाने दो साहब ए तू जा रहे इसको लेके जा रहे इसको कुछ नहीं मालूम है नायक साहब के पास मत ले जाना भाई अंधेरे में तीर चलाया था लगा निशाने पे मगर एक बात तो साफ है कि प्रधान मर्डर केस की जड़ें कहीं ना कहीं तो वालिया और माणिक राव तक जाती है और अगर ये बात सच है तो सवेरे तक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि यहां तो होम मिनिस्टर को छींक आने पे भी कई अफसरों के तबादले हो जाते हैं अगर हम होम मिनिस्टर को छींकने का मौका दे तब ना एक कोशिश करके देखते हैं सलाम सर सलाम सर वन मिनट सर क्या आप बता सकते हैं प्रधान मर्डर केस की क्या प्रोग्रेस है इस केस को हम सॉल्व कर देंगे फिलहाल तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि इस केस के अंदर कई पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है क्या आप उन लोगों के नाम बता सकते हैं प्लीज उन लोग शायद आप लोगों को हमारी शक्ल पसंद नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सर इसीलिए आप लोग मेरे और मेरे इन्वेस्टिगेशन टीम की ट्रांसफर कराना चाहते हैं प्लीज पे द पुलिस तेरे दारू के सप्लायर का क्या हुआ सब हो गया तू इतना परेशान क्यों है तू जानता है ना उसे नहीं नहीं मैं आज तक मिला नहीं उससे लेकिन मैंने मंत्री जी की डायरी से नंबर निकाल के उसको फोन किया है तू चिंता क्यों कर रहा है देख मंत्री जी का दिमाग बहुत गर्म है सारी सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए सारी सेटिंग प्रॉपर ही होगी तू बाथरूम जा टेंशन कम हो जाएगा कोई पूछे मेरा नाम ले देना जा चिंता मत कर खाली की बात कर रहा है यार मंत्री जी के यहाँ से फोन करो दारू का सप्लायर ना आया इतनी हिम्मत Yes. How are you? Fine. साहब कहाँ? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा How are you? Fine. अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार. How are you? मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा ऐसे आ रहे हो. देखो हम पार्टी में बड़े लोगों का मूड बनाते हैं. अरे तुम वो हो? सप्लायर. अरे इधर आओ ना यार. तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ. वालिया साहब की डिनर पार्टी है. लंच अभी शुरू हो जाएगा. माल कहाँ है? अरे माल सब तैयार है गिनती बोलो आप देखो सब इम्पोर्टेड चाहिए हैं एकदम प्योर क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करना क्वांटिटी बोलो लगभग चार तो मंत्री जी को चाहिए होंगे चार हाँ चार वो भी एक साथ चार बहुत शौकीन है भाई अभी आएंगे तो एक मांगेंगे और खाने से पहले दूसरी और खाने के बाद तीसरी और एक घर पे लेके जाएंगे घर में अरे रात तो काटनी पड़ती है ना बाबा आल लाइट फुल टाइट हाँ लेकिन उनकी बीवी जो बड़े लोग हैं जो भी करते हैं सीक्रेटली खुल्लम खुल्ला हमारे जैसे थोड़ी छिपे छिपे कभी कभी तो उनकी बीवी भी ज्वाइन करती हैं क्या बात बहुत बड़ी महिला है वो उसने मंत्री जी से साफ बोल दिया जो भी करो मेरे सामने करो कभी कभी तो वो खुद ले आती है हाँ धंधे में कंपटीशन पड़ गया अरे घर में एक आध स्टॉक रखना पड़ता है ना भाई
रात के पौने 3 बजे खांसी से नींद खुल गई, अब क्या करें, लेनी पड़ेगी ना। सर ये कार्ड रखिए मेरा, ये सेटिंग मेरी करा दो, एक से एक आइटम लाके दूंगा एकदम पेटी पैक। करवा दूंगा लेकिन मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। 100% आपको भी इम्पोर्टेड लगेगी क्या? अरे नहीं 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 बाबा, अपने को इम्पोर्टेड नहीं, बराबर चढ़ते नहीं, अपने को देसी देसी। देसी भी है? हाँ एकदम गांव ठन, मुंह से लगाते जहां बोलोगे चढ़ जाए। अच्छा आपके लिए एकदम फ्री। ए पक्का? हाँ मैं कल फोन करूं। अच्छा ठीक, आज हम बात नहीं कर रहे। मैं हूं ही, मैं हूं ही। क्या आदमी मिला यार, अलादीन का चिराग कल छक्के पीऊंगा। आपके ये शौक भी है तेरे को? अरे शौक तो बहुत है त्रिपाठी, लेकिन अपने को परवरता ही नहीं है, क्या सेटिंग हुई। अरे वो सब छोड़, दारू के सप्लायर का क्या हुआ? तो ये क्या तुम्हारा पिताजी जा रहा था, यही तो है वो? ये किसी और चीज का सप्लायर है। किसका? लड़की का। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या करूं चश्मुद्दीन, कमिश्नर साहब भी आ गए। तुम्हारे डिपार्टमेंट में आज की तारीख में कोई भी ऑफिसर मीडिया के सामने खड़ा होके हीरो बन जाता है, हैं? अरे तुम कमिश्नर हो कि बीएसटी बस के कंडक्टर? लेकिन सर आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? क्या बात है मानिक राव जी, क्यों गर्म हो रहे हो? कमिश्नर साहब हमारे आदमी है। अरे क्या बताऊं तुम्हें वालिया, तुम्हें पता है माहौल किस तरह का है, ये मीडिया वाले हाई कमांड वालों ने नाक में दम कर रखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कमिश्नर साहब आप मेरे साथ आइए, आइए। आपके और आपके अफसरों के लिए मेरे पास कुछ बिजनेस प्लान्स है, रिटायरमेंट फंड। हाँ हाँ आता हूँ, मैं तेरे को वापस फोन करता हूँ। ए भाई, ओ भाई, वो मल्लिका का फोन था, वो एक रात के लिए वापस आई है, रात को न्यूयॉर्क जा रही है शोज के लिए, जरा मिल के आओ। क्या हूँ, क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ? अरे अरे बाहर पुलिस का पैरा है, कार को एक से लेता है, जाने दे। अरे क्या पुलिस पुलिस लगा रखा है भाई, दिन का टाइम है, मैं यूं जाऊंगा यूं आऊंगा, अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगा बस। अरे जाने देना भाई, तू मेरी समझ नहीं रहा है, रिक्स का मामला है, पुलिस है बाहर, मैंने कभी मना किया इसके पहले आज तक? मना किया? अरे मना तो नहीं किया। अरे 14 साल का था तब मैंने ही दूल्हा बनवाया था तुझे, उम्र में बड़ी थी लड़की, शर्मा रहा था भाई। और आज मेरे को ही बोल रहा है जाऊं, बाहर पुलिस है, उसके लिए तू बाहर जाएगा। वो क्या है ना भाई, अभी मैं 14 का नहीं 28 साल का हो गया हूँ, देखो मैं यूं गया और यूं आया, 1 घंटे में आ जाऊंगा बस। जा जा, लेकिन 4-5 लोगों को साथ में लेके जा और संभल के जा बेटा, और वो टाइटेनिक कार लेके जा जिसमें दिखता नहीं है ना, वो लेके जा। टाइटेनिक गाड़ी ले जाओ ना। हाँ जिसमें दिखता नहीं है। हाँ भाई टाइटेनिक नहीं टिंटेड होता है, आप हो बहुत प्यारे, वैसे मेरे को ज्यादा पता है क्या होता है। हाँ जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा, खुदा हाफिज। दिस इज विक्रम सिंह रिपोर्टिंग फ्रॉम ब्लू डायमंड बिल्डिंग, लोकंडवाला कॉम्प्लेक्स। अभी अभी एड़ा बाबा मल्लिका से मिलने इसी बिल्डिंग में आया है, मेरा ख्याल है कि 20th फ्लोर पे। येड़ा लोकंडवाला में मल्लिका के फ्लैट में छिपा हुआ है, खेलकर तुम फोर्स तैयार करो, कम ऑन लेट्स गो। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी, अरे चल ना लौकर दिख रहे साहब, गेले लौकर, चल चल चल, गाड़ी निकल गाड़ी निकल। तुम आ जाओ, yes, तुम ऊपर जाओ। hey, कौन है उधर? फूल वाला है। चल चंपक, तेरे बाप लोग आए, समझा, तेरे बाप लोग।
किधर है येड़ा? नहीं मालूम। किधर है येड़ा? घोड़ा कहाँ है मेरा? घोड़ा कहाँ? भाई पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर के रखा है। अबे बाबा अंदर है। बाबा अंदर फंसा हुआ है। बोलता जाने का रास्ता नहीं है। हट। गाड़ी पीछे ले। खोल। पीछे ले। अरे बाबा अंदर है। चलिए। गाड़ी पीछे मत ले। साले की तो मैं देखता हूँ। ले चलो इसे। ए पटनायक क्या करेगा? पुलिस स्टेशन लेके जाएगा? बेस 10.5 मिनट में बेल हो जाएगी मेरी। 10 मिनट में सलाह काती क्या तुम लोगों की? 500 रुपए में तो बिकते हो तुम लोग। क्या करेगा? मारेगा? भूल गया खालिद अंसारी? कुत्ते की मौत मारा था साले को, कुत्ते की मौत। सुन रहा है ना? येड़ा कहाँ सर? ऊपर। ऊपर। गुड। मुंबई पुलिस। ये पुलिस के अत्याचार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई साहब एक मिनट जरा इधर आएंगे आप? आइए ना एक मिनट के लिए। जब कभी ऐसा कोई इनकाउंटर होता है तो आप अपनी ह्यूमन राइट्स की दुकान लेकर चले आते हैं यहाँ पे। लेकिन उसी सो कॉल्ड इनकाउंटर में जब कोई पुलिस वाला मारा जाता है या जब कोई पुलिस वाला घायल होता है तो आप उसकी कॉलोनी में नहीं जाते, क्योंकि वहां ये आपका ताम झाम नहीं होता। मीडिया नहीं होती, वीडियो नहीं होता, अखबार वाले नहीं होते। आप लोग अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर भाई लोगों की तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पर छपवाकर उन्हें हीरो बनाते हैं। हम पुलिस वालों को कौन पूछता है? तुम लोग जानवरों के उद्धार के लिए संस्था बनाते हो, लेकिन ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिस वालों की बेवाओं के लिए, उनके यतीम बच्चों के लिए कोई संस्था नहीं बनाते। वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे में शरीक होते हो, पुलिस डे में कभी शरीक नहीं होते, क्योंकि पुलिस की पार्टी में तुम्हें शराब शबाब और कबाब नहीं मिलेगी, और वो भी मुफ्त की। ए चंपक,
चुपचाप चला जाए यहां से, वरना तेरे राइट के साथ साथ लेफ्ट थोबड़ा भी चौपट कर दूंगा। हप! खबर करो पठान भाई, जो होना था। सही बात है पठान भाई, होने को कौन टाल सकता है। क्यों रे पठान, तू तो कहता था कि येड़ा से तेरा कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ क्या करने आया? कफन का कपड़ा दफन की जमीन साथ में लाया कि नहीं तू? बहुत ज्यादा बोल रहा है पठान भाई, लगता है इन खाकी वर्दी वालों का कुछ करना पड़ेगा। चुप चुप, मुर्दा घर है, आवाज नहीं करने का, समझा? मालूम पड़ा एक को लेने आया, चार को साला छोड़ के जा रहा। चुप। अक्सर आदमी जोश में होश खो बैठता है, ये बात एड़ा भूल गया, तुम लोग याद रखना, मेरे भाई की मौत का मातम पठानवाड़ी से पुलिस कॉलोनी तक जरूर पहुंचेगा, ये वादा करता हूं। पठान, अपने भाई की मैयत का इंतजाम तो तूने कर लिया, अब तेरी मैयत का इंतजाम कौन करेगा? खुदा हाफिज। चलो भाई चलो। निकलो पड़ा ना तो मगर। बेटा ये लो, पी लो बेटा। देखिए ना, ये दूध नहीं पी रहा। क्या हुआ? राहुल, पैर पर। लंकी ने पर्स वोंडो। बहुत जिद्दी। लंकी। है क्या कोई? चले बच्चे में गोली मारता है, औरत को गोली मारता है। मेरे बच्चे को मारने आया था ना तू? मेरे बच्चे को मारने आया था ना तू? For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.